सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल से, जहां पे दोस्तों सवाल ये था कि अगर एप्पल लेके आता है थोड़े से कम कीमत में भैया 5G वाले फोन्स, तो क्या आप 5G वाले आईफोन लेना पसंद करेंगे या फिर आप स्टिल जाएंगे एंड्रॉयड की तरफ। तो 82% ने बोला है भैया हाँ जी क्यों नहीं, इससे बेहतर क्या हो सकता है, हम तो लेंगे सीधा 5G वाला जो थोड़ा कम कीमत वाला आईफोन आएगा उसको। और 18% बोलते हैं पूरी सख्ती के साथ में कि नहीं, एंड्रॉयड ही हम यूज़ करेंगे, हम iOS पे नहीं जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों भी ऐसे में आज का सवाल आपके लिए ये है कि अभी दोस्तों एयरटेल और जियो दो मेन कंटेंडर्स हैं दोस्तों, अगर आपसे बात करता हूँ इंडिया में 5G नेटवर्क्स को लेके, तो आपके हिसाब से दोनों में से ज़्यादा बेहतर 5G कौन प्रोवाइड करेगा, बताना जरूर दोस्तों क्या है आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कॉमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में सीधा दबा डालिए लाइक बटन को। यहाँ दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेकर, निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से, और यहाँ दोस्तों भी व्हाट्सएप ने एक बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की लेयर ऐड कर दी है। अगर दोस्तों आप करते हैं लिंक अपने व्हाट्सएप को व्हाट्सएप वेब या फिर डेस्कटॉप ऐप के साथ में, तो यार ये एक अच्छी बात है, वरना पहले ये था कि भैया किसी का व्हाट्सएप कभी अगर ओपन मिल जाए तो उसके बाद हम सीधा व्हाट्सएप वेब पे जा सकते हैं या फिर डेस्कटॉप से सिंक कर सकते हैं, और उस इंसान को अगर वो इतना टेक सेवी ना हो तो भैया पता भी ना चले। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है, वैसे व्हाट्सएप और सिक्योरिटी और क्या ही बोले। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में फौजी गेम को लेके, और यहाँ पर दोस्तों भैया फौजी बन गया है टॉप फ्री गेम गूगल प्ले स्टोर में रैंकिंग्स के हिसाब से, जहाँ पर दोस्तों 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड इस गेम के हो चुके हैं, और ऐसे में काफ़ी लोग इस गेम को जो है फिलहाल खेल रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स की दोस्तों ज़रूरत है, और ऐसे में काफ़ी चीज़ें और अभी बेहतर होना बाकी हैं। अब देखना अगर ये होगा कि ऐसे में जो एनकोर गेम्स है वो और क्या क्या नई चीज़ें लेके आता है इसी फौजी गेम के साथ में, बिकॉज शुरुआत एक अच्छी मिल चुकी है, अभी आगे गेम को और बेहतर बनाए रखना पड़ेगा, इसी के चलते जो गेमर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहेगा और वो शायद बाद में गेम को और आगे सक्सेसफुल बना पाएं। अगला उस तो अपडेट निकल के आता है यहाँ पे शाओमी को लेके, और भैया रिपोर्ट्स के हिसाब से शाओमी बहुत जल्दी हमारे लिए एक नया फ़ोन लेके आ सकता है। वैसे शाओमी तो जल्दी जल्दी फ़ोन्स लेके आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं ऐसे फ़ोन की जहाँ पर 200 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। भैया मतलब आप सोचो कितना तेज़ी से फ़ोन रिचार्ज हो जाएगा यार, 200 वॉट्स बहुत ज़्यादा होता है। अब लेट्स सी कि शाओमी ये काम कब तक कर पाता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे एयरटेल की तरफ से, हम दोस्तों एयरटेल ने एकदम बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन दोस्तों करके दिखा दिया है 5G सर्विसेज का अपने कमर्शियल नेटवर्क के ऊपर, और यहाँ पर दोस्तों ये हैदराबाद में एयरटेल ने काम पूरा करके दिखाया, तो यार ऐसे में बहुत ही कमाल बात है। और एयरटेल के अकॉर्डिंग एयरटेल को बिल्कुल भी टाइम लगने वाला है अपने एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क को 5G में कन्वर्ट करने के लिए, एकदम तैयारियाँ बिल्कुल पूरी भरपूर हो चुकी हैं, स्पीड्स बहुत ही शानदार मिलेंगी। अब बस देखते ही हैं कि दोस्तों इंडिया में सरकार जो है वो कब 5G को लेकर अगले कदम उठाती है, इसके बाद में जो 5G फोन फिलहाल अभी आपके हाथ में है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा और आप उसके चलते तेज स्पीड्स वाले इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे भैया बाइट डांस को लेके, और ऐसे में भैया टिकटॉक का जो पूरा वो बैन वाला सीन हुआ है फिलहाल दोस्तों इंडिया में परमानेंट, तो बाइट डांस जो है वो धीरे धीरे अपने जो ऑपरेशन हैं वो इंडिया से समेटना शुरू कर चुका है। अब ऐसे में दोस्तों अगर कुछ लोगों की नौकरी तो खैर ज़रूर जाएंगी जो कि टिकटॉक या बाइट डांस वगैरह में काम किया करते थे और इंडियन ऑपरेशन को देखा करते थे, लेकिन अगेन अब दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे थे भैया नेशनल सिक्योरिटी की, और के चलते जो टिकटॉक को बैन वगैरह किया गया था, तो फिलहाल के लिए जो बाइट डांस की टीम है वो भी अभी इंडिया से सिमटने वाली है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में एक नई ब्रांड न्यू रीडिजाइंड टेस्ला मॉडल एस को लेके, और यहाँ पे भैया जो इसका इंटीरियर उसको काफ़ी चेंज किया गया है, जहाँ पे जो पहली बार तो स्टीयरिंग व्हील है वो व्हील बचाई नहीं है भैया, वो भैया सिर्फ एक जो है वो अलग टुकड़ा हो गया, मतलब कंप्लीट दोस्तों सर्कल नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे और दोस्तों चीज़ें इंप्रूव की गई हैं, जहाँ पे इसके अंदर जो कंप्यूटिंग पावर है ना वो किसी PS5 या एक्सबॉक्स से कम नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल दोस्तों आप जो है वो गेमिंग कर सकते हैं इस कार के अंदर जो डिस्प्ले लगा है उसके साथ में, तो मतलब साइबर पंक हो या भैया कोई और गेम हो आप एक्चुअल में वो गेम्स यहाँ पे खेल पाएंगे। 10 टेराफ्लॉप्स की पावर है यहाँ पे इस गाड़ी में, तो ये है नई रीडिजाइंड टेस्ला मॉडल एस। वैसे मैं बस साइबर ट्रक का वेट कर रहा हूँ कि जैसी वो आए और फिर वो
मैं ले लूं और फिर चलाएं और फिर वीडियो बनाएं तो बहुत मज़ा आए। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में सैमसंग की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों सैमसंग जो है वो अपना फोल्डेबल डिस्प्ले जो है वो और बाकी ब्रांड्स को सप्लाई करने वाला है अलग अलग उनके फोल्डिंग फोन्स के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं कि भैया अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो बहुत सारे फोल्डिंग फोन्स लेके आने वाले हैं, अभी धीरे धीरे करके जो है शुरुआत हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर ओप्पो या शाओमी या रियलमी या मतलब अलग अलग ब्रांड्स के हमको मिलेंगे फोल्डिंग फोन्स, तो उनमें स्क्रीन जहाँ तक हो सकता है सैमसंग वाला ही लगा हो। अगला उस अपडेट निकल आता है यहाँ पे एप्पल को लेके। और भैया ऐसे में एप्पल वॉच जो है ये दोस्तों बहुत लोगों की आज तक दुनिया में जान बचा चुकी है अलग अलग सिनेरियोज में। तो यहाँ पे दोस्तों एक ब्रिटिश साइक्लिस्ट की भी जान बचाई, जहाँ पे दोस्तों एक नदी में भैया फंसने के बाद में वॉच से इमरजेंसी कॉल लगा और भैया ऐसे में हेल्प आ गई और जान बच गई। तो यार ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब ये हम समय समय में सुनते हैं कि एप्पल वॉच जो है वो अलग अलग इंस्टेंसेज पे कभी चाहे वो हार्ट रेट अलर्ट्स हो या दोस्तों कुछ और चीज़ें हों लोगों की जान बचाती जरूर आई है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे शाओमी के मी 11 प्रो के एक नए रेंडर को लेकर जो कि सामने आ गए। और भैया ऐसे में इसमें होगा ऐसा हॉरिजॉन्टल लेआउट कैमरा के लिए और 120x जूम की हम बात कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होती है बाकी पूरी स्पेसिफिकेशंस मी 11 प्रो की और शाओमी इसको कब और किस कीमत पे लॉन्च करता है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे मिस्टर कार्ल पेई को लेके। और यहाँ पे दोस्तों वन प्लस वाले जो को फाउंडर थे इन्होंने अभी अपना एक नया स्टार्टअप शुरू किया है जो कि है नथिंग। जी हाँ, उसका नाम ही है नथिंग। और यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक कुछ ऑडियो रिलेटेड दोस्तों स्टार्टअप की, जहाँ पे शायद हमको ईयरफोन्स या स्पीकर्स या ऐसे आइटम्स अभी शुरुआत में देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी नथिंग क्या समथिंग लेके आता है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे रियलमी X7 और X7 प्रो के लॉन्च को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों लॉन्च होने वाले हैं 4 फरवरी को और कुछ कुछ डिटेल्स पहले निकल के आ गई हैं कि आखिर रियलमी X7 या X7 प्रो जो है वो कैसा होने वाला है। जहाँ पे रियलमी X7 जो है दोस्तों उसमें लगा होगा डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर और जो X7 प्रो है दोस्तों वो आएगा डायमेंसिटी 1000 प्लस के साथ में। यहाँ पे दोस्तों हमको जो है वो मतलब 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी X7 में, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी X7 प्रो में। कुछ कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पे लीक होकर सामने आई है, जहाँ पे X7 में होगा ट्रिपल कैमरा, X7 प्रो में होगा क्वाड कैमरा। अब बस देखना यह है कि इंडिया में जब ये फोन्स आते हैं तो आखिर कीमत रियलमी इन फोन्स की क्या रखता है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में सैमसंग गैलेक्सी M02 को लेके। और ये दोस्तों फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी, सीधा 2 फरवरी को। और यहाँ पे दोस्तों कीमत इसकी होगी 7000 रुपये से भी कम, जहाँ पे दोस्तों हमको सामने देखने को मिल रहा है कि 5000mAh की बैटरी होगी, एक 6.5 इंचेस का HD+ इन्फिनिटी वी डिस्प्ले होने वाला है। अभी ऐसे में कीमत लिखी है 6XXX, तो या तो होगा 6999 या हो सकता है होगा 6499 या 6799, मतलब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होती है पूरी कहानी गैलेक्सी M02 की। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में सोनी एक्सपीरिया प्रो को लेके। और यहाँ पे भैया ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स दोस्तों यहाँ पे फोन जो है लॉन्च कर दिया है सोनी ने। माइक्रो HDMI पोर्ट हमको मिल जाता है, एज अ मॉनिटर उसको काम में ले सकते हैं, 5G वगैरह भी है तो भैया सीधा 4K में लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। कीमत जो है ना वो भी बहुत सारी देनी पड़ेगी जो कि है करीब $2500, मतलब 1,80,000 रुपये के करीब। पता नहीं कितने फ़ोन जो है वो बिकेंगे सोनी के और कितने लोग लेंगे। एनीवेज ये है एक्सपीरिया प्रो। अगला उस अपडेट निकल के आता है लास्ट यहाँ पे हमारे पास में रिलायंस ऑर्बिक मैजिक को लेके। और यहाँ पे दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो 5G वाले फ़ोन की, तो अभी लेट्स सी कि दोस्तों क्या रहती है पूरी कहानी इसी रिलायंस की अपकमिंग फ़ोन वगैरह की। भैया ऐसे में जो सर्टिफिकेशन वगैरह हैं उन पर आना शुरू हो चुका है। अभी एग्जैक्टली ये फ़ोन दोस्तों या क्या है, ये कौन सा 5G डिवाइस है, लेट्स सी। इंडिया में हम जो बात कर रहे हैं ना कि जियो भैया 2000 में लेके आएगा 5G फ़ोन, 3000 में लेके आएगा, 5000 में लेके आएगा, फ्री में बांट देगा पूरे देश भर में 5G फ़ोन, मतलब कुछ भी हो सकता है भैया। अब लेट्स सी कि क्या होता है दोस्तों पूरी कहानी। वैसे क्या आपको लगता है कि आपको एक दोबारा से 5G रिवॉल्यूशन जियो की तरफ से देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी कम कीमत में हमको मिल जाएंगे फ़ोन्स वगैरह और ऐसे में काफ़ी एकदम शायद बेसिक फ़ोन होंगे, लेकिन कुछ दोबारा से एक तहलका आने वाला है 5G के साथ में जियो की तरफ से, बताना ज़रूर मन की बातें क्या है नीचे कमेंट करते हुए। दोस्तों बस बताओ इतना ही देखने के लिए, आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।